दोस्तों, नाच गाना जश्न बैंड बाजे के साथ तमोरिया स्टेशन पर कुछ इस तरह लोगों ने सपनों को सच होते हुए देखा। और आज आपको बताएंगे कि शुक्रवार को सीआरएस निरीक्षण का जो 10 से 12 घंटे का कार्यक्रम हुआ, वो 10 मिनट में देखिए दरभंगा रॉक्स पर। पूरी कहानी सीआरएस की दरभंगा रॉक्स पर। और ये सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धूप खिली और इस तरीके से तमोरिया स्टेशन पर जो है तैयारियाँ देखी गई। लोग खुश थे, लोग धीरे धीरे पहुँचने लगे थे, तैयारियाँ हो रही थी, नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा था सीआरएस टीम के लिए। और इस तरीके से धीरे 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 हमारे दोनों सहयोगी राहुल और रिजवान पहुँच चुके थे। उन्होंने पानी भी यहाँ पर पिया और इस तरीके से मेहमान भी आने लगे थे और स्टेशन सच कर तैयार हो चुका था गाजे बाजे के साथ। सीआरएस की ट्रेन, स्पेशल ट्रेन आने वाली थी और लोग उसका पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में खुशी का आलम था, उत्साह था, जश्न था। और फिर कुछ घंटे के इंतजार के बाद वो पल भी आ गया जब सीआरएस स्पेशल ट्रेन जो है उसकी सीटी बजी और कुछ इस तरह से शान के साथ ट्रेन की एंट्री हुई स्टेशन पर और लोग जश्न के में डूब गए। और जब ये ट्रेन अंदर आई तो खुशी का ठिकाना नहीं था लोगों का। और लोग जो है वो कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर, तमोरिया शहर जो है वो स्टेशन पर उमड़ आया है। देखिए किस तरह से अंदर से हाथ हिला रहे हैं अधिकारी। अब ट्रेन की पूरी टीम, सीआरएस की पूरी टीम इस ट्रेन में सवार थी और इस तरह से जो पहली बार सीआरएस की स्पेशल ट्रेन जब एंट्री हुई तो कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल ही बदल गया। लोग जो है ट्रेन को देखने के लिए, जो है इंजन को देखने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे। और क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुज़ुर्ग, सभी मौजूद थे। और हमारे सहयोगी ये भी जश्न में डूबे थे राहुल, और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और अपने इस ऐतिहासिक पल को वो भी अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, बच्चों के साथ खुशी मनाते हुए और बैंड बाजे के साथ जश्न मनाते हुए। जश्न था तो दूसरी तरफ सीआरएस का इंतजार था जो ट्रॉली से झंझारपुर की से आ रहे थे तमोरिया। इंतज़ार सीआरएस का हो रहा था, सीआरएस की टीम का हो रहा था। ट्रेन आकर लग चुकी थी और ट्रेन को देखने के लिए लोग ट्रेन के अंदर सवार हो चुके थे। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब अंदर फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसे में दरभंगा रॉक्स के सहयोगी भी अंदर घुसे और उन्होंने भी देखा क्या माहौल है यहाँ पर।
खुद राहुल ने वहाँ पर देखा कि काफ़ी लोग खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सेल्फी भी खिंचवाई स्थानीय लोगों के साथ, और इस तरीके से ये लोग भी गवाह बनना चाहते थे इस यादगार पल का, जब तमुरिया में ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली थी। और इस तरह से देखिए कैसे लोग इंजन पर सवार हैं और कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इतनी खुशी थी। और फिर वो पल भी आ गया जब CRS की टीम झंझारपुर से जो है वो निरीक्षण करते हुए ट्रॉली से जो है वो एक के बाद एक आती हुई दिखाई दी। और ट्रैक पर देखिए किस तरह से करीब 10 ट्रॉली जो है वो भर भर करके जो है पूरी टीम आई, उसमें CRS थे, इंजीनियर्स थे, DRM की पूरी टीम थी और समस्तीपुर के अधिकारी थे। और इस तरह से पूरी टीम जो है वो एक के बाद एक ट्रॉली से जो है वो झंझारपुर से मिथिला दीप और फिर मिथिला दीप के बाद तमुरिया तक पहुंची। और ये पूरा कम से कम 6 से 7 घंटे इन लोगों को लग गए, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बाद ये 4:30 बजे तक ये जो है तमुरिया पहुँचे। और इस तरह से देखिए किस तरह से एक के बाद एक पूरी टीम पहुँचती रही और लोग जो है वहाँ पर भी मौजूद थे स्वागत के लिए। और इस तरीके से लगातार ट्रॉली जो है वो उसका मोटर ट्रॉली का आना होता रहा और निरीक्षण करते रहे, क्योंकि बताया गया कि इस स्ट्रेच में काफ़ी पुल है, इस वजह से इनको वक्त लगा और पुल की जांच जो है वो खास तौर से की गई, क्रॉसिंग की गई। इस तरीके से जब ये टीम यहाँ पहुँची तो देखिए दोनों तरफ लोग खड़े हैं इनको इनके स्वागत के लिए, DRM साहब और CRS के स्वागत के लिए। और जब DRM साहब और CRS जब उतरे तो इस तरह से लोगों ने स्वागत किया और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ। और इस तरह से जो है पूरा सुरक्षा अमला भी साथ में था और देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और पीछे पूरी भीड़ है, जन सैलाब है पूरा, जो सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये लोग आएंगे और कब यहाँ पर जो है वो फाइनल किया जाएगा स्पीड ट्रायल। और स्पीड ट्रायल के लिए जब ये पहुँचे, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम था, उससे पहले यहाँ पर फूल माला से स्वागत किया गया स्थानीय लोगों ने किया। और तमुरिया ने कुछ इस तरह से मान सम्मान दिया DRM और CRS को, मोहम्मद लतीफ़ खान और अशोक माहेश्वरी को फूल माला से जो है उनका स्वागत किया गया। और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ चले, पूरा जो है काफ़िला आगे बढ़ा अधिकारियों का। और यहाँ पर जो है इंतज़ाम था कि नाश्ते वगैरह का, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं था। और हालांकि यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे ही पूरी टीम रुकी और उसके बाद से फिर वापस रवाना हो गई। और देखिए किस तरह से प्लेटफॉर्म पर ये पूरी टीम जा रही और पूरा काफ़िला पीछे है और पीछे पूरी पूरी पूरा तमुरिया पीछे है। और ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई जो है वो होली से पहले होली मनाई जा रही हो, ऐसी हालत हो गई थी। और तिल रखने की भी जगह नहीं थी, पूरा स्टेशन सुबह से ही भीड़ भरा था, पूरा जो है इंतज़ार कर रहा था टीम का। और शाम में जब ये लोग आए तब जा कर के यहाँ पर लोग जो है उन्होंने जो है उसको स्कॉट किया और इस तरह एक तरह से स्कॉट करते हुए आगे बढ़े। और यहाँ पर देखिए CRS जो है वो अंदर चले गए अपने केबिन में, और उसके बाद DRM साहब और इंजीनियर साहब जो बाकी अधिकारी उनसे मशवरा किया और फिर यहाँ पर आगे बढ़े। और यहाँ पर जो है रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम था, तो यहाँ पर हालांकि एक औपचारिकता के रूप में ही रुके और फिर ट्रेन जब तैयार हुई तो फिर यहाँ से जो है वो रवाना हो गए। ज़्यादा टाइम नहीं रुके, लेकिन इस दौरान देखिए कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे यहाँ पर, इतनी पूरा सुरक्षा अमला, पूरे लोग मौजूद थे। जब वापसी का वक्त हुआ, जब ट्रेन में सवार हुए तो वहाँ पर कुछ बातें भी की DRM साहब ने और वहाँ के लोगों की को देखा। और ये देखिए किस तरह से CRS वो जो विंडो कार में बैठे हैं और वो उनके सामने एक CCTV कैमरा भी लगा है, वो रिकॉर्ड करेंगे पूरा स्पीड ट्रायल को। और वो पीछे बैठे हैं और ट्रेन जो है वो झंझारपुर की तरफ, ये इस तरह से जो है हरी झंडी दिखाई गई और हरी झंडी दिखाने के बाद जो है ट्रेन जो है धीरे धीरे सरकने लगी। और देखिए ये मोहम्मद लतीफ़ खान जो CRS हैं वो बैठे हुए हैं, उनके बगल में DRM अशोक माहेश्वरी बैठे हुए हैं और सामने वो शीशा है और शीशे के पास एक CCTV कैमरा है जो इसे रिकॉर्ड करा। उन्होंने हाथ हिला करके तब पूरे तमुरिया का शुक्रिया अदा किया और इस तरह से धीरे 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 ट्रेन रफ्तार पकड़ती रही। और इस तरह से जो है वो अब स्पीड ट्रायल का जो है वह दूसरे राउंड में स्पीड ट्रायल किया गया और ये सफल बताया जा रहा है स्पीड ट्रायल। और ये उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है यहाँ से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। और इस तरह से देखिए ट्रेन जब धीरे धीरे सरक रही थी तो एक सपने को साकार होते हुए लोग देख रहे थे और इस तरह से कुछ लोग भागते हुए भी नज़र आए ट्रेन के पीछे। और ये ट्रेन जो है एक सपने के साथ, एक सपने को पूरा होते हुए ले जा रही थी और लोग टकटकी बांधे इसको देख रहे थे और कोई खुश हो रहा था, महिलाएं, बच्चे, सब बुजुर्ग, सारा तमुरिया इस पल को एंजॉय कर रहा था। और हमारे सहयोगी रिजवान और राहुल दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने दरभंगा रॉक्स के लिए वीडियो भेजा
और उनके पूरे तमुरिया का इस मौके पर हम स्वागत करेंगे। यह सब सपने को साकार होने का वक्त है।